ये है उत्रेन पालीपाइन। उत्रेन पालीपाइन में पानी मुरहर नदी से आता है। पाइन के बीज के भाग को शरारती लोगों ने भर दिया। उसे खोदकर धारा को आगे बढ़ाना है। सभा इसी भरी जगह पर है। मुझे विश्वास है कि अब आपकी पाइन कमेटी इसको हर साल सुंदर ढंग से व्यवस्थित करेगी और चलाएगी, और आप लोग इसका देखरेख कीजिएगा। हमको पूरा भरोसा है कि आप लोग इस काम में सफल होइएगा। बनने के बाद कुछ कुछ ऐसा ही दृश्य यहाँ का भी होगा। नदी किनारे के पाइन के निर्माण और बालू हटाने में लकड़ी के तख्ते वाले औजार का उपयोग होता है। इसे करूर कहते हैं। नई बन रही बवन डी हो या पछलक की पुरानी पाइन, करूर ही असली औजार है। बवन डी में एक छोटी 1 किलोमीटर वाली नई पाइन बनाई जा रही है। पचलक की कमेटी सबसे अधिक मेहनत करती है। हर साल सफाई और हर साल अच्छी खेती। मगध जल जमात पचलक का सम्मान और समर्थन करता है। मगध के अनेक पठारी इलाकों का भूमिगत जल स्रोत फ्लोराइड से खतरनाक हो गया है। चापाकल का पानी पीकर एक पीढ़ी विकलांग हो गई। कुंड बनाकर पीने के लिए सतही जल का संचय करना है। इसके लिए धनेता भुक्तौरी बांके बाजार में पक्का कुंड बनाना है। ये 2 साल में पूरा होगा। ये रही दूसरे साल की खुदाई। मेरा भुक्तौरिया गांव है। इस गांव में सारे बच्चों भी तलांग हो रहे हैं, तो हम लोग मिलजुल कर तलाव बना रहे हैं सारे गांव का। जब भी इस क्षेत्र में आए बांके बाजार में जब चर्चा हुई, तो ये बात बार बार आती रही कि इस तरह का एक गांव है जहां की फ्लोराइड पीड़ित लोग हैं, पानी वहां प्रदूषित है और वहां के लोग विकलांग हो रहे हैं। तो यह ध्यान में जब आया तो हमने यह बात मगध जल जमात के साथ रखा, और तब यह बात हुई कि ठीक है, हम लोग चल करके देखें। हम लोग शुरुआती दौर में यहाँ आए, सर्वेक्षण किया और पाया कि यहाँ जो है भूगर्भ जल प्रदूषित है, सतही जल जो है बिल्कुल साफ है। और यदि इस तरह से कुंड के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था की जाती है, तो ये इस बीमारी से और ये जो समस्या है फ्लोराइड पीड़ित होने का, उससे मुक्ति पाई जा सकती है। निजी नलकूप सूख गए। सामुदायिक जलापूर्ति उपेक्षा के कारण ध्वस्त हो गई। पाइपलाइन के लिए दिया गया टेंडर बेकार चला गया। समय सीमा पूरी हुई, 2 साल बीत गए। 2008 की जगह 2010 पार कर गया। पाइपलाइन से पानी नहीं मिला। संघर्ष समितियों ने पहले जुलूस की शक्ल में आयुक्त मगध प्रमंडल एवं जिला प्रशासन के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। आश्वासन भी मिला। काम पूरा किए जाने की जगह अखबार के द्वारा पानी पहुंचाने के झूठे दावे ने लोगों को बौखला दिया। आक्रोश में लोग रोड जाम कर धरने पर बैठ गए। सफलता से लोगों की आशाएं बढ़ी हैं और बेईमानों की बेचैनी भी। हमारे सामने कई चुनौतियां उभर कर आई हैं। प्रशासन का एक भाग सहयोग कर रहा है। सोमिया तिलैया पाइन के जीर्णोद्धार के लिए कमिश्नर, कलेक्टर, इंजीनियर से लेकर गांव का कर्मचारी तक सभी एक जगह उपस्थित है। 15 दिनों में राशि की व्यवस्था भी कर दी गई। मगध जल जमात ने नरेगा का काम मशीन से करने का विरोध किया, तो राशि डूब गई, काम नहीं हो सका।
मगध के लगभग 10,000 भूमिगत जल स्रोत फ्लोराइड के संकट से ग्रस्त हैं। ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट है। कई गांव विकलांगता के शिकार है। फिल्टर की महंगी तकनीकी सभी जगह पहुंच नहीं सकती। चुना फिटकरी के प्रयोग का प्रचार प्रसार करना है, पुनः पानी की जांच करनी है। इस साल 10 पैनों के जीर्णोद्धार के लिए जिला प्रशासन तैयार है। वहां पैनों की देखभाल के लिए संगठन बनना है। काम बहुत है, प्रयास जारी है। तो कुछ के कहने से सब नहीं होता है। आप लोगों का अपना उत्साह है, आप लोगों का अपना जुगाड़ है, जो आप लोगों ने इतना बड़ा काम जो है किया है। और उम्मीद है कि आगे भी आप इसी तरह से काम करते रहेंगे और अपने अपना भरोसा नहीं छोड़ेंगे। खाली सरकार के भरोसे मत रहिए, कहीं भी किसी के भरोसे मत रहिए, अपने भरोसे रहिए और मिल करके रहिए।